हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिताभ राजपूत, वेलकम्स यू इन आयुष्मान क्लासेस। हम लोग ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं, ऑब्स्टैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में हम लोग का टॉपिक चल रहा है सब ग्रुप, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 11। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक अगर बेल का आइकन आता है तो उसको आप दबा लीजिए, तो मेरे वीडियोस के अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में देखिए हम लोगों ने कहाँ पर समाप्त किया था, हमने कहा था सब ग्रुप के डेफिनेशन आपको बताए थे, बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज उसके किए थे। तो उसमें मैंने दो क्राइटेरिया बताया था सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। एक क्राइटेरिया ये बताया था कि मान लीजिए कि यच जो है ना एक सबसेट है जी का, जी इज अ ग्रुप और यच उसका क्या है सबसेट है, तो यच को हम लोग इसका सब ग्रुप तब कहते हैं। जो पहला क्राइटेरिया क्या था कि इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज दैट व्हाट ए टू बी बिलोंग्स टू एच। और इसी में दूसरा क्राइटेरिया और दूसरा इफ ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये पहला थ्योरम था कि अगर ये दो कंडीशंस होल्ड करती हैं तो जो ये सबसेट है जी का वो क्या कहा जाएगा सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया हमने दिखाया था थ्योरम नंबर 2 में, मैंने हम लोगों ने ये बात किया था कि यच कोई अगर सबसेट है जी का तो हम लोग इसका सब ग्रुप तब कहेंगे जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज दैट व्हाट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम कहते हैं कि यच जी का क्या है सब ग्रुप है, ठीक है। आज उसके आगे से हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। सम सब ग्रुप्स ऑफ ए गिवन ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप्स ऑफ जेड, आज हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स के सब ग्रुप कैसे फॉर्म करते हैं, कितने सब ग्रुप हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है द फॉलोइंग थ्योरम गिव्स ए वे टू ऑब्टेन ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ जेड प्लस, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन ऑपरेशन। हम लोग जो एक थ्योरम लिख रहे हैं उसके थ्रू हम लोग इसके सब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम ये है, फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन, एन जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, मोर ओवर एवरी सब ग्रुप ऑफ जेड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ mz और सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m, ठीक है। तो अगर z का सब ग्रुप बनाना है तो क्या हो सकता है z का सब ग्रुप, जैसे 2z, 3z, 4z, 5z, 6z, ये सब उसके क्या हो सकते हैं सब ग्रुप्स हो सकते हैं। पहली बात इसमें यही कही गई है फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर 2z, 3z, 4z ये सभी ले तो ये इसमें क्या होते हैं सब ग्रुप्स होते हैं। और दूसरी बात ये कही गई कि अगर z का कोई भी सब ग्रुप हुआ तो किस टाइप का होगा, वो 2z, 4z, 2z, 3z, 4z इस टाइप का ही होगा, ठीक है। ये थ्योरम है, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, इसको एज ए स्टेटमेंट हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि इज 2z ए सब ग्रुप ऑफ z, इज 2z ए सब ग्रुप ऑफ z, क्या 2z z प्लस का सब ग्रुप है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन। तो फाई है ना, फाई इज नॉट इक्वल टू, पहले मैं z और 2z आपको लिख के दिखा दूं व्हाट इज z एंड 2z, ठीक है। जेड और टू जेड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, तो आपको मालूम ही है लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए जेड क्या होता है, जेड के बारे में बात करें तो जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो वन। टू जेड हमारा क्या होता है, टू जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो वन, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि पहली बात फाई जो 2z हमारा है ना वो नॉन नेगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात ये किसका सबसेट है, ये z का सबसेट है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ z। इसमें देखिए जो एलिमेंट है इसके सारे एलिमेंट जिसमें बिलोंग करते हैं इसका उन्हें सबसेट है, ये क्राइटेरिया तो हो गया। अब हम दिखाएंगे लेट लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू 2z, ठीक है। इसमें से हमने दो एलिमेंट लिया ए और बी का, तो इसका मतलब ए जो ए होगा किस तरीके का होगा 2m, और जो बी होगा वो किस तरीके का होगा 2n होगा, वेयर वेयर m कॉमा n व्हाट बिलोंग्स टू व्हाट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट थ्योरम मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी फिर से रिकॉल भी करवाया था कि अगर a a कॉमा b बिलोंग्स टू h, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू h, तो हम कहते हैं कि h क्या होता है सब ग्रुप होता है। ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में b का इनवर्स क्या होता है b इनवर्स लिखते हैं, लेकिन एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उसका इनवर्स क्या लिखते हैं a माइनस b लिखते हैं, b का इनवर्स माइनस b। तो मैंने कहा कि मैंने दो एलिमेंट किया 2z से, अब हम दिखाएंगे कि a माइनस b जो आया a माइनस b दिस इज सेम एज ab इनवर्स,
ए बी इनवर्स तब लिखते हैं जब ऑपरेशन हमारा क्या मल्टीप्लीकेशन का है, ए माइनस बी तब लिखते हैं जब ऑपरेशन हमारा क्या एडिशन का है। तो मैं ए माइनस बी निकालने जा रहा हूँ, ए माइनस बी हमारा कितना होगा 2m माइनस 2n, 2 कॉमन कर लिया, m माइनस n, तो वो भी किस तरीके का है, एंड विच बिलोंग्स टू वॉट, विच बिलोंग्स टू 2z, विच बिलोंग्स टू 2z, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंटीजर एंड 2 का मल्टीपल है, अंदर 2z में बिलोंग करेगा। देखिए a और b दो एलिमेंट लिया हमने 2z में, और a माइनस बी भी बिलोंग करेगा 2z में, दिस इम्प्लाइज दैट 2z इज अ सब ग्रुप ऑफ, इज अ सब ग्रुप ऑफ, इज अ सब ग्रुप ऑफ z प्लस। ओके, तो फ्रेंड्स एक नेक्स्ट थ्योरम मैंने लिख रखा है कि जब हम लोग सब ग्रुप की बात कर ली तो क्या दो सब ग्रुप का यूनियन भी एक सब ग्रुप होता है। क्वेश्चन ये है, थ्योरम है, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। तो अगर नीड नॉट बी अ सब ग्रुप है तो क्या हम काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा कि 2z में लिखता हूं, 2z इज इक्वल टू, 2z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड, इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। ठीक है, अभी हमने जस्ट प्रूव किया था, हमने ये हम दूसरा भी एक सब ग्रुप ले लेते हैं, 3z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन, इज अ सब ग्रुप ऑफ, इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। अब हम 2z यूनियन 3z बना लेते हैं, 2z यूनियन 3z, इसका यूनियन ले लेते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिखना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मैंने 0 लिखा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने इसका यूनियन बनाया। अब देखिए इसमें से मैं एक एलिमेंट लेता हूं 2, देखिए 2 इसमें बिलोंग करता है, हियर 2, नाउ 2 बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z। ठीक है, बट 2 प्लस 3, अब देखिए दो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उसका जब मैं ऑपरेशन लगाऊं जो एडिशन आना चाहिए वो भी अगर उसमें बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम लोग उसको कहेंगे ना वो ग्रुप है। अगर कोई भी चीज सब ग्रुप हमें प्रूव करना है, प्रूव करना पड़ेगा ना, वो उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में पहले क्या फॉर्म करे, ग्रुप फॉर्म करे, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। दो एलिमेंट मैंने इस सेट इसमें लिया, इस सेट में दो एलिमेंट मैंने लिया, तो इसको जब मैंने ऑपरेट करवाया, ऑपरेशन जो है ग्रुप वाला ऑपरेशन लेके ऑपरेट करवाया, तो जो अगर रिजल्ट आना चाहिए वो इसी में बिलोंग करना चाहिए। आइए देखते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, बट 5 डजंट बिलोंग टू, 5 डजंट बिलोंग टू व्हाट, 2z यूनियन 3z। इसका मतलब 2z यूनियन 3z प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है मतलब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, और अगर ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो ये सब ग्रुप नहीं हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट 2z यूनियन 3z, 2z यूनियन 3z इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ, इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। ठीक है, तो हमने ये दिखाया कि अगर कोई दो सब ग्रुप ले लें, किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप ले लें और उसका यूनियन लें तो यूनियन भी उसका सब ग्रुप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि जब हम दो सेट्स का जो है, दो सेट्स का अगर हम लोग यूनियन ले लें, मतलब दो सब ग्रुप्स का यूनियन ले लें तो वो भी एक सब ग्रुप हो, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है? आइए मैं आपको अगला थ्योरम में इस चीज को दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। ठीक है, तो अगर एक दूसरे का सबसेट होगा, हमारे यच और के दो सब ग्रुप्स हैं, किसके, ग्रुप जी के, तो दोनों का यूनियन जो होगा, यच यूनियन के भी सब ग्रुप तब होगा जब यच या तो के का सबसेट हो, पूरी तरह से कंटेन्ड हो के में, या के पूरी तरीके से यच में कंटेन्ड हो। ठीक है, आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, हमने कहा कि लेट यच कॉमा के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी एंड सपोज यच इज कंटेन्ड इन के, देन हमने कह दिया चलो ठीक है यच के सारे एलिमेंट के में है, मतलब यच इज द सबसेट ऑफ के।
तो अगर यच यूनियन के निकालेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा वाला सेट आएगा, यच यूनियन के इज इक्वल टू के, तो आपको मालूम है सेट थ्योरी से कि मान लिया कि मैंने सेट ए में एलिमेंट लिया 1 2 और बी में एलिमेंट लिया 1 2 3, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी कितना आएगा 1 2 3, विच इज इक्वल टू बिगर सेट। ठीक है, तो यच अगर के में कंटेंट है तो जब यच यूनियन के लेंगे तो क्या आएगा, बिगर सेट आएगा, के आएगा, और के क्या है, सब ग्रुप है, विच इज सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब ये हो गया कि दो सब ग्रुप का जो यूनियन लिया वो भी क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया जी का। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, हमें इसमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं, इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। पहला पार्ट ये है कि अगर अगर यच के में कंटेंट है, मतलब यच के में कंटेंट हो या के यच में कंटेंट हो, तो यच यूनियन के क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें प्रूफ करनी है। कन्वर्स देखिए क्या है, लेट यच कॉमा के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट यच यूनियन के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, वी हैव टू शो दैट वन ऑफ देम मस्ट बी कंटेंट इन अदर। दूसरे केस में ले लिया कि हमने ये कह दिया कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप है, इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, एंड वी हैव टू शो दैट आइदर यच इज कंटेंट इन के और के इज कंटेंट इन एच। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज इट इज नॉट ट्रू, दैट इज ना तो यच के में कंटेंट है और ना तो के यच में कंटेंट है, तो क्या होगा, देन देयर इज दिस एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट यच डजंट बिलोंग्स टू के। अगर यच के का सबसेट नहीं है, इसका मतलब यच में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो के में नहीं है, यक्स सपोज यक्स यच में है और तो और यक्स के में नहीं है। दूसरी बात यहां पर देखें, अगर के यच का सबसेट नहीं है, इसका मतलब वाई एक जरूर एलिमेंट ऐसा के में होगा जो कि यच में नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो देन अगर हम लोग यच यूनियन के निकालेंगे, जब यच यूनियन के निकालेंगे तो यक्स जो है वो यच में बिलोंग करता है और जो वाई है वो कहां बिलोंग करता है, के में बिलोंग करता है, तो उनके यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। देन यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यच यूनियन के, एंड सिंस यच यूनियन के इज सब ग्रुप, अगर सब ग्रुप है, सब ग्रुप है इसका मतलब क्या है, सब ग्रुप है इसका मतलब ग्रुप है, और अगर ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यक्स इनटू वाई भी कहां बिलोंग करेगा, यच यूनियन के में बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अब देखिए एक्स वाई अगर यच यूनियन के में बिलोंग करेगा तो यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है, आइदर एक्स वाई बिलोंग्स टू एच और एक्स वाई बिलोंग्स टू के। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच और एक्स वाई बिलोंग्स टू के। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एच देन एज एक्स बिलोंग्स टू एच देन एज एक्स बिलोंग्स टू एच, अब एक्स एच में है तो इस एक्स इनवर्स भी क्या होगा, एच में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, क्योंकि सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो किसी भी एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो कंपोजिशन ऑपरेशन ये क्लोज भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो यक्स देखिए दो एलिमेंट मैंने लिया एच में, एक्स वाई और एक एलिमेंट क्या हो गया एक्स, अब तो यक्स का इनवर्स भी एच में होगा और इन दोनों का कंपोजिशन भी एच में होना चाहिए, यक्स इनवर्स इंटू एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। अब देखिए यक्स इनवर्स एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा और आइडेंटिटी को वाई में मल्टीप्लाई कर देता है वाई आएगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू एच एंड दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू एच एंड विच इज अ कंट्राडिक्शन, which is a contradiction, मैं इस बात को लिखूंगा which is a contradiction। सिमिलरली देखिए जैसे मैंने यहां पे कहा कि अभी मैंने क्या कहा था if x y belongs to h, अब मैं लिखता हूं now if x y belongs to k, if x y belongs to k then as y belongs to k, then as y belongs to k, this implies that x y into y inverse belongs to k। देखिए x y k में belong करता है और अगर y k में belong करता है तो इसका inverse भी k में belong करेगा क्योंकि k सब ग्रुप है। अब इन दोनों का कंपोजिशन भी कहाँ बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। अब देखिए y को y इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी को x के साथ मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। This implies that x belongs to k, और which is a contradiction, x k में बिलोंग नहीं करता, which is a contradiction। And this contradiction arises due to wrong assumption that H is not contained in K and K is not contained in H. So this implies that H union K is a subgroup. This implies that
This implies that what? H is either H is contained in K or K is contained in H. Hence, proved. Friends, our next theorem is intersection of two subgroups of G is always a subgroup of G. ठीक है, ऐसे हम प्रूव करते हैं. लेट H एंड K be two subgroups of G. अब देखिए मैं ये दिखाऊंगा. मुझे प्रूव करना है कि अगर कि H इंटरसेक्शन K ये G का क्या है, सबग्रुप है. ठीक है, तो सबग्रुप दिखाने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर A और B belongs to H intersection K, है ना, if A कॉमा B belongs to H intersection K, और मैं दिखा दूं कि AB inverse also belongs to H intersection K, तो हम कहेंगे H intersection K G का क्या है, सबग्रुप है. ठीक है, आइए हम देखते हैं. तो मैंने कहा कि let A belongs to H intersection K. This implies that A belongs to H and B belongs to what? K. A belongs to H and A belongs to K. ठीक है. And दूसरा element लिया हमने B belongs to H intersection K. This implies that what? This implies that B belongs to H and B belongs to K. ठीक है. अब जरा देखिए ध्यान से. Now, A belongs to H and B belongs to K. A belongs to H and B belongs to K. देखिए अगर B K में belong करता है, okay, subgroup है, इसका मतलब इसका inverse भी इसमें belong करेगा, ठीक है ना? So this implies that what? This implies that A B inverse belongs to what? H intersection K. This implies that A belongs to H and B belongs to H. A belongs to H and B belongs to H. This implies that what? AB inverse belongs to H. क्यों? Since H is a subgroup. Since H is a subgroup of G. Subgroup की definition क्या है? अगर उसमें दो element लिए, A belongs to H and B belongs to H. This implies that AB inverse belongs to H. Similarly, आप देखिए, A belongs to K and B belongs to K. This implies that AB inverse belongs to K. क्यों? Since K is a subgroup of G. अब देखिए AB inverse H में belong करता है और AB inverse K में belong करता है. So this implies that AB inverse belongs to H intersection K and this implies that H intersection K is a subgroup of G. ठीक, hence proved. फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि फाइंड सबग्रुप्स ऑफ जेड टेंस के जो भी सबग्रुप्स हैं उसको आप बताइए. तो पहले तो मैं देखिए इसका सबग्रुप्स मैं बना के आपको दिखा देता हूं और चेक करके दिखा देता हूं वो सबग्रुप्स है कि नहीं, और फिर एक और एग्जांपल करके मैं दिखाऊंगा और आगे मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी ग्रुप के सबग्रुप्स कैसे बनाते हैं, कितने सब ग्रुप पॉसिबल है, इस सब के बारे में हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे और डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं. ठीक है, सॉल्यूशन. जेड टेन का मतलब क्या होता है, जेड टेन पे लगा लेते हैं. जेड टेन का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, अब देखिए मैं इसमें जो है इसे कुछ सब ग्रुप बनाता हूं. H1 = 0, H2 = Z10, H3 = 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है, H3 हो गया ये, और उसके बाद H4 = 0, 5. ठीक है, ओके. ये मैंने कुछ सबग्रुप्स इसके मैंने ये कुछ लिखा है, इसके सबसेट लिखे हैं. देखिए जेड के लिए सबसेट्स हैं. पहली बात देखिए ये क्या है, मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को ले लिया जाए. इसके आइडेंटिटी कौन है, जेड टेन की आइडेंटिटी कौन है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, एडिशन मॉडुलो 10. इसका जो आइडेंटिटी कौन है, 0 0, और ये खुद ये सेट खुद है ना, ये दोनों क्या होते हैं, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप. ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर में बताया था. तो मुझे इसको प्रूफ करने की जरूरत, ये तो हमेशा ही सब ग्रुप होंगे. इसके कि कोई भी अगर मान ली मैंने ग्रुप लिया, वो ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है, और दूसरी बात उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट से जो बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से जो ग्रुप बनता है वो भी उसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है. तो दो ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं. बाकी मुझे आप प्रूफ करके मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि H3 और H4 भी इसका क्या है, सब ग्रुप है. इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, K-Li टेबल बनाता हूँ H3 के लिए. ठीक है,
एस थ्री के लिए हम लोग केली टेबल या कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन मॉडुलो 10। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन मॉडुलो 10 का, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से हैं? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। देखिए 0+0 0, 0+2 2, 0+4 0+4 4, 0+6 6, 0+8 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2+0 2, 2+2 4, 2+4 6, 2+6 8 और 2+8 कितना हुआ? 10। 10 हो गया और 10 को 10 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ये आपको मालूम है ना कि जब भी देखिए 10 से छोटा तक बना रहेगा तब तो वही रिजल्ट आएगा, और 10 के ऊपर जब जाएंगे तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आंसर लिखेंगे, ठीक है। 4+0 4, ठीक है। 2+0 मैंने गलत लिख दिया था, 2, 2+2 4, 2+4 6, 2+6 8 और 2, ठीक है। 4+0 4, 4+2 6, 4+4 8 और 4+6 10, 10 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना हो गया? 0। 4+8 12, 12 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ गया? 2। 6+0 6, 6+2 8, 6+4 10 को 0 लिखा, 6+6 12, 12 को 2 लिखा, 6+8 14, 14 को 4 लिखा, 8+0 8, 8+2 10, 10 को 0 लिखा, 8+4 12, 12 को 2 लिखा, 8+6 14, 14 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 4, 8 और 8 16, 16 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा 6, ठीक है। अब देखिए मुझे इसको दिखाना है ना कि ये इसका सब ग्रुप है कि नहीं, ये इसका तो उसके पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि एडिशन मॉडुलो 10 के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करें। इसके लिए इसके एलिमेंट्स को जरा ध्यान से देखिए, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, तो सारे एलिमेंट्स इसी एच थ्री में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जो ये ऑपरेशन है ये कैसा बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब हमारा जो एच थ्री है ये क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो जब जेड 10 में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो उसके सबसेट में तो जरूर होल्ड करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए इस कॉलम को जरा ध्यान से देखिए, 0, 2, 0 वाले कॉलम को देखिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये लेफ्ट मोस्ट से मैच करता है। अब इस रो को देखिए, 0 वाले रो को देखिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये अपर वाले से मैच करता है। इसका मतलब 0 हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। 0 हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी, ठीक है ना। अब देखिए 0 का इनवर्स कितना हो गया? 0। 0+0=0। 2 का इनवर्स कितना हो गया? 8। 2 का इनवर्स कितना हो गया? 8। क्यों हो गया 8? क्योंकि 2+8 करेंगे 10, है ना, और तो आइडेंटिटी आ जाएगा, 2+2+8=आइडेंटिटी, है ना। इसका मतलब 8, 2 का क्या हो गया? इनवर्स। 4 का इनवर्स अगर लिखने चाहें तो 4 का इनवर्स कौन मिलेगा? 6 मिलेगा। और अगर 6 का इनवर्स लिखने चाहें कौन मिलेगा? 4 मिलेगा। और अगर 8 का इनवर्स लिखने चाहें कौन मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स के इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10। और ये डेफिनेशन है सब ग्रुप की। सब ग्रुप की डेफिनेशन भी यही होती है कि कोई उसका सबसेट हो, जी का सबसेट हो, और जो ऑपरेशन जी का है उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करे तो उसको हम सब ग्रुप बोलते हैं। तो ये सब ग्रुप हो गया। सिमिलरली हम एच 4 को भी दिखा सकते हैं, ये भी इसका क्या है? सब ग्रुप है। मैं इसके लिए केली टेबल बना दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं केली टेबल बनाता हूँ इसके लिए, एच 4 के लिए। इसमें दो एलिमेंट है, कौन? 0 और 5, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 0 और 5, और यहाँ पर मैंने लिखा एडिशन मॉडुलो 10। 0+0 0, 0+5 5, 5+0 5, 5+10 10 में अंदर 0, ठीक है। अब देखिए इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसी में बिलोंग करते हैं एच 4 में। इसका मतलब ये क्या है? ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10। एच 4 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10। दूसरी बात, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। तीसरी बात, इसका आइडेंटिटी कौन है? 0, क्योंकि 0 को देखिए, 0 वाले कॉलम को देखिए, 0 5 जो कि लेफ्ट मोस्ट से मैच करता है, और 0 को कंटेन करने वाला रो ये अपर मोस्ट से मैच करता है। यही डेफिनेशन है प्रॉपर्टी, यही डेफिनेशन है केली टेबल की। देख के हम लोग आइडेंटिटी ऐसे डिसाइड करते हैं। 0 का इनवर्स कौन हो गया? 0। और 5 का इनवर्स कौन सा हो गया? 5। मतलब दोनों एलिमेंट कैसे हैं? सेल्फ इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। और अगर ग्रुप फॉर्म करता है तो ये सब ग्रुप हुआ, ठीक है। तो कितने सब ग्रुप बने इसके? 1, 2, 3, 4, इसके 4 सब ग्रुप्स बने, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया तो आपके दिमाग में यहाँ से आ रहा होगा कि इतने ही सब ग्रुप क्यों बने और ऐसे ही सब ग्रुप क्यों बने। इसको आगे मैं डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ जेड 12। जेड 12 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इससे कितने सब ग्रुप्स हो गए? सभी को बनाना है आपको, तो मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन, पहला सब ग्रुप H1, H2, H3, H4, H5, H6, H4, H5,
और एच सिक्स, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया। दूसरा एच टू जेड टर्ल्स, ये तो दो ट्रिवियल सब ग्रुप होते ही हैं, ये आपको मालूम ही है। तीसरा जो होगा वो बनेगा जीरो टू फोर सिक्स एट, है ना, टेन, टेन तक, ठीक है। और अगला जो बनेगा थ्री जीरो थ्री सिक्स नाइन, ठीक है। और जो अगला बनेगा वो बनेगा जीरो सिक्स थ्री, उसके बाद अगला क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारा जो बनेगा वो बनेगा जीरो फोर एट, ठीक है ना। और अगला जो हमारा बनेगा वो बनेगा जीरो कॉमा सिक्स, ठीक है। अब देखिए इतने सब ग्रुप बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे पता लगा लिया कि इतने ही सब ग्रुप बनेंगे और यही सब ग्रुप क्यों बनेंगे, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं आगे आपको बताना बताऊंगा भी आपको। देखिए ये तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये तो दोनों हमेशा अगर जो हमको जो भी ग्रुप दिया हुआ है उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको लेके अगर हम वो सब ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप खुद, ये दोनों अपने के क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, इसको ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। और बाकी एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स को आप केवी टेबल बना के चेक कर सकते हैं कि ये एडिशन मॉडल ट्वेल्व के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसलिए ये इसके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। आइए मैं अभी आपको वो रिजल्ट बताता हूँ जिसके थ्रू मैं जो है ये सारे सब ग्रुप्स को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वो देखिए रिजल्ट ये है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जेड एन इज इक्वल टू टाउ एन। टाउ एन क्या, टाउ एन एक फंक्शन होता है, क्या देता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए मुझे बताना कि जेड ट्वेल्व के कितने सब ग्रुप हों, तो ट्वेल्व के कितने डिवाइजर्स हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, ट्वेल्व के डिवाइजर्स बताइए। तो सबसे पहला डिवाइजर कौन है, वन, फिर कौन है टू, फिर कौन है थ्री, फिर कौन है फोर, और फिर कौन सा है सिक्स, और फिर कौन सा है ट्वेल्व, ठीक है ना। ये इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे, सिक्स सब ग्रुप बनेंगे। फार्मूले से हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए छोटा नंबर है तो मैं आसानी से देख लिया, तो देखो फार्मूले से हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब 12 को फैक्टराइज करेंगे, तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1, तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इनटू 3, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे टाउ 12 क्या होगा, टाउ 12 होगा जो भी यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स है ना उसका जो पावर है उसको प्लस 1 कर देना है, 2 प्लस 1, और इसका ये कितना है 1, 1 है तो 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और इनटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 3 2 कितना हो गया 6, कितने सब ग्रुप बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूँ, पहले मैं टाउ टाउ एन का मतलब आपको क्लियर करवा दूँ कि क्या होता है, ये टाउ फंक्शन क्या होता है, टाउ एन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे बताना है कि जेड 30 के कितने सब ग्रुप होंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 30 को फैक्टराइज करूंगा, 2 15 3 5 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बताना है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जेड 30, तो मैं लिखूंगा इसको टाउ 30, और टाउ 30 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसके जो पावर्स हैं इतने 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है ना, कितने हो गए 2 × 2 × 2 दैट इज 8। इससे कितने सब ग्रुप आएंगे, 8 सब ग्रुप आएंगे। अच्छा वो आएंगे कौन कौन से, अब देखिए 30 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 6 10 और 15, और कौन सा 30, ठीक है ना, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर मुझे जेड 30 के सब ग्रुप मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख के बता देता हूँ जल्दी से आपको कि जेड 30 के सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। 8 बनेंगे तो मैं लिख देता हूँ इसको H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 और H8। जेड 30 का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जेड 30 का मतलब हो गया कि 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 29, ठीक है। अब देखिए पहला जो सब ग्रुप बनेगा वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके बनेगा, 0 ट्रिवियल सब ग्रुप, यस टू जेड 30 खुद अपना सब ग्रुप होता है। अगला जो सब ग्रुप बनेगा ना वो क्या बनेगा, 2 का मल्टीपल बनेगा, 2 का मल्टीपल मतलब 0
टू कहां तक चल रहा है मुझे 30 से पहले तक, 0 2 3 में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई किया 2, 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28, ये एक सब ग्रुप बनेगा। अगला सब ग्रुप हमारा किसका बनेगा, 3 का बनेगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको, 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ये बना हमारा H4। H5 जो बनेगा वो कितने का मल्टीपल बनेगा, 5 का मल्टीपल बनेगा, मतलब 0 5 10 15 20 और 25। अगला जो बनेगा वो किसका बनेगा, 6 का मल्टीपल बनेगा, मतलब अगला जो सब ग्रुप बनेगा 0 6 12 18 24 24। अगला जो सब ग्रुप बनेगा वो 10 का मल्टीपल बनेगा, 10 का मल्टीपल मतलब 0 10 और 20। और जो अगला सब ग्रुप बनेगा वो 15 का मल्टीपल बनेगा, 15 का मल्टीपल का मतलब क्या बनेगा, 0 और 15। तो इस तरीके से ये 8 सब ग्रुप बनेंगे हमारे इसके Z30 के। और निकालने का तरीका क्या होगा, टाउ n, Zn के कितने सब ग्रुप होते हैं, टाउ n। और टाउ n क्या होता है, जिस n को हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो प्राइम्स के जो इंडेक्सेस है ना उसको प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।